मेरे दुकान में एक मर्फी का एलईडी टीवी आया था 32 इंच का। इसका प्रॉब्लम देख सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो पावर लाइट है वो एकदम ब्लिंक कर रहा है एकदम, ये देखिए लुक 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 कर रहा है, ये देखिए एकदम ऐसा लुक 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 कर रहा है, जो एकदम स्ट्रीट नहीं लग रहा है, ऐसा लुक 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 कर रहा है। तो चलिए इसका क्या प्रॉब्लम है देख सकते हैं। तो चलिए खोलेंगे इसको। खोलने के बाद हम मदरबोर्ड चेक करेंगे, तो देखिएगा कैसे चेक होता है, मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है। तो चलिए, ये लुक लुक होता है इसीलिए वो स्टैंड बाय से रिलीज़ भी नहीं होता, क्योंकि जो स्टैंड बाय से रिलीज़ होने के लिए वोल्टेज चाहिए होते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसके लिए वो स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं होता ये पीस। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलता है इसमें। तो चलिए, यहाँ पर मैंने मदरबोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने वो जो लाइट है वो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा कम लाइट लग रहा है वो, इसलिए कैमरे में थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके ऊपर अभी कांच नहीं है, तो एकदम बारीक ऐसा रेड लाइट लग रहा है, लुक लुक कर रहा है। तो चलिए इसके वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 वोल्टेज स्टेट है, यहाँ पर 5 वोल्ट एकदम स्टेट है, कम ज़्यादा नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर देखिए वोल्टेज ब्लिंकिंग कर रहा है, देखिए स्टेरेबल नहीं रह रहे एकदम वोल्टेज। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जहाँ 12 वोल्ट निकलता है डिस्प्ले के लिए, वहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, वहाँ पर भी जो वोल्टेज है वो पूरा ब्लिंकिंग कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए इसके इसका जो प्रॉब्लम है, अभी हम इसको क्या करते हैं, तो चलिए देखिएगा ये प्रॉब्लम ऐसे क्यों आते हैं। देखिए ये साइड में सब पूरा वोल्टेज जो है कम ज़्यादा हो रहा है, देखिए ओके। तो ये जो प्रोसेसर आईसी है मदरबोर्ड का, इसको हम थोड़ा हीट करेंगे, उसके बाद देखिएगा क्या चमत्कार होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं पेस्ट लगाता हूँ साइड में, और हॉट गन से थोड़ा हीट करता हूँ उसको। ये सब जो प्रॉब्लम आते हैं ऐसे, या कुछ स्टैंड बाय के जो प्रॉब्लम आते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम कभी कभी जो प्रोसेसर ऐसे होता है उसका जो शोल्डर होते हैं वो ड्राई होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर से मदरबोर्ड में दिखाई देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हॉट करेंगे, हीट देने के बाद थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या अपना प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो
चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं और मदरबोर्ड को भी यहाँ पर घुमा देता हूँ। ओके, अच्छी तरह से हीट हो गया, खूब ज़्यादा भी हीट नहीं करना है उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से शोल्डर शॉर्टिंग होने के चांसेस होते हैं, तो माप में ही उसको हीट देना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद हम उसको फिर मदरबोर्ड चालू करके देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है मदरबोर्ड, अभी हम मेंस लगाएंगे, इसकी लाइन देते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा क्लीन करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने पेस्ट डाला था तो उसको थोड़ा क्लीन करेंगे, एकदम क्लीन करेंगे तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, कुछ शॉर्टिंग होने के चांसेस नहीं होते। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हरा लाइट चालू हो चुका है, स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है मदरबोर्ड। यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले के वोल्टेज भी नाप के दिखा देता हूँ, 12 वोल्ट आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट आ चुके हैं, जो डिस्प्ले पे होना चाहिए। ये जो अपना मदरबोर्ड है चालू हो चुका है, और इस तरह से आप ऐसा कुछ कभी प्रॉब्लम आता है तो ऐसा करके देखिएगा, तो अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं मदरबोर्ड टीवी को फिट कर देता हूँ और चालू कर देता हूँ। ओके, चलो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और नए लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो थैंक यू।